नमस्कार, आज हम बात करेंगे कैंपस रेडियो के बारे में। कैंपस रेडियो को लेकर हमने अब तक जो बात की थी वो ये था कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, क्यों ये ज़रूरी है और बाकी रेडियो से कैसे अलग है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल रेडियो, कम्युनिटी रेडियो और कैंपस रेडियो, इन सब में आपस में क्या फ़र्क है। हम ये भी बात कर रहे थे कि कैसे कैंपस रेडियो अपने अपने कैंपस में एक बड़ी ताकतवर ऊर्जा के तौर पर सामने आया है, जैसे कि उसने कई विधाओं को भी बहुत विकसित किया है, लिखने की परंपरा को वो जगा देता है, एक तरह से एक नई ताकत देता है। बच्चे अपने स्क्रिप्ट्स को जब वो लिखते हैं तो भाषा पर उनकी कमांड बनने लगती है। और कई विधाएं जैसे कि रेडियो का ड्रामा, नाटक और किसी भी तरह का रंगमंच से जुड़ा हुआ प्रस्तुतिकरण, संगीत, नृत्य, लोकल डायलेक्ट्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए कैंपस रेडियो एक विस्तृत प्लेटफॉर्म बनकर छात्रों के सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आता है। जो अब नए करिकुलम भी बन रहे हैं उसमें भी कैंपस रेडियो को एक बहुत बड़ी तवज्जो दी जा रही है। ये माना जाता है कि कैंपस रेडियो के ज़रिए स्टाफ, स्टूडेंट, पेरेंट्स, गार्जियंस, इन सब को अपडेट रखा जा सकता है। इन सबको कैंपस से जुड़ी हुई तमाम तरह की गतिविधियाँ, बच्चों के सामने अपॉर्चुनिटीज़, चुनौतियाँ, नए कार्यक्रम, स्किल्स, ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों की जानकारी एक ही पैकेज में दी जा सकती है। स्टूडेंट्स को वो आवाज़ देता है, उन्हें एम्पावर करता है, क्योंकि अगर आपके पास लिखने और बोलने की शैली है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जर्नलिज्म की ट्रेनिंग आप पा रहे हैं साथ के साथ, चाहे विषय आपका कोई भी हो, पढ़ाई आप कुछ भी कर रहे हों, आपके पास एम्प्लॉयमेंट का भी एक अवसर अपने आप तैयार होता जाता है। इट ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर योर स्टूडेंट्स टू डिस्कस द इश्यूज दैट मैटर टू देम इन अ नॉन कन्फ्रंटेशनल फॉर्मेट, वेदर इट इज डिस्कसिंग इम्पॉर्टेंट इश्यूज, शेयरिंग म्यूजिक, रेडियो गिव्स योर स्टूडेंट्स अ वॉइस विद इन योर स्कूल, सो यू आर एबल टू गिव अ वॉइस टू योर ओन ओपिनियन विद इन योर ओन सेटअप। प्लानिंग एंड प्रेजेंटिंग रेडियो शोज रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ टीम वर्क एंड दैट इज हाउ इट प्रमोट्स टीम वर्क। जो स्कूलों में रेडियो स्टेशन है उसमें कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें असाइन कर दी जाती हैं। समबडी कुड बी प्रेजेंटर, समवन कुड बी इंजीनियर और स्टेशन मैनेजमेंट, और समबडी कुड बी कंटेंट राइटर, सो देयर कुड बी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन टू डिफरेंट स्टूडेंट्स। इमेजिन आप अपने स्कूल या कॉलेज में हैं और आपको इतनी यंग एज में आपको ये बता दिया गया कि कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है। 2002 में भारत सरकार ने पॉलिसी के जरिए लाइसेंसेस को परमिशन दिया था, जिसके जरिए ये हुआ था कि कम्युनिटी रेडियोस और कैंपस रेडियोस को अब इस्तेमाल में लाया जा सकता है, उन्हें शुरुआत हो सकती है। लेकिन आप जानते हैं भारत में सबसे बड़ा और सबसे नया और पहला प्रयोग कहाँ हुआ? वो हुआ 2004 में और वो जगह थी अन्ना यूनिवर्सिटी, और जो लॉन्च किया गया उसका नाम है अन्ना FM। ये भारत का पहला कैंपस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन था। इसे स्टूडेंट्स ने शुरू किया, स्टूडेंट्स ने इसकी कंटेंट बनाया और उसके ज़रिए ये रेडियो एक बड़े विस्तार को पाता गया। इसी समय में ये भी अनाउंसमेंट हुई थी राज्यसभा में कि अब अलग अलग राज्यों में कैंपस रेडियो को लेकर अनुमति दी जाएगी, और उसी की वजह से हुआ ये कि कैंपस रेडियो धीरे धीरे भारत भर में अपना विस्तार पाने लगा। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस, एनजीओस, इन सब के पास एक कम्युनिटी रेडियो या कैंपस रेडियो को पाने की सुविधा आने लगी। जो पहला एनजीओ सामने आया जिसको कि इस तरह के रेडियो की अनुमति मिली वो था संगम रेडियो। इसको डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने इसका लाइसेंस लिया। ब्रॉडकास्टिंग 2008 में शुरू हुई, पास्तापुर विलेज, मेडक डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। पुणे यूनिवर्सिटी में महाराष्ट्र में एक FM रेडियो स्टेशन इसी दौर में शुरू किया गया। इसको 2005 में इनॉग्रेट किया गया, नाम रखा गया विद्यावाणी। अब देखिए इसमें कितनी बड़ी रेंज थी। इसमें साइंस, एग्रीकल्चर, एजुकेशन से जुड़े हुए तमाम आस्पेक्ट्स, स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग विभागों के बारे में जानकारियाँ, एफिलिएटेड कॉलेजेस की जानकारियाँ, सूचनाएँ, नोटिस,
और इस कैंपस की रीच को 8 किलोमीटर की रेडियस में रखा गया। अब सोचिए 8 किलोमीटर के एरिया में स्टूडेंट्स को ये सारी जानकारी मिल रही थी कि एजुकेशन से जुड़ी हुई जो भी ज़रूरी बातें हुई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं, योजनाएं बन रही हैं या एफिलेटेड कॉलेज में कोई इवेंट हो रहा है, वो सारा चीज़ें इस वॉइस के ज़रिए आने लगी। ये जो तस्वीर है ये अन्ना के कैंपस रेडियो की है। इस रेडियो ने जब अपने रेडियो स्टेशन को स्थापित किया तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पर इसने एक लीड ली, और लीड ऐसी ली कि इसके बाद देश भर के कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कैंपस रेडियो को लाने की शुरुआत होने लगी। इसमें हेल्थ केयर, एजुकेशन, फीमेल लिटरेसी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट पर काफ़ी जोर दिया गया। 50 वॉट्स का ट्रांसमीटर में इसका जो रीच था, रेडियस जो था, वो 15 किलोमीटर का था, और प्रोग्राम्स जो बनाए गए उसमें एजुकेशन, फोक, लिटरेचर, फाइन आर्ट्स, फिलॉसफी, साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, पोल्यूशन कंट्रोल को रखा गया। अब यहाँ दो बातें जो अभी तक हमने नहीं की। फोक लिटरेचर मतलब ये कि जो आपका लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ साहित्य है उसको जगह दी जा रही है। सोचिए कमर्शियल मीडिया इसके लिए शायद जगह बिल्कुल ना निकालना चाहे, लेकिन जब कैंपस रेडियो होता है तो वो उन चीज़ों पर तवज्जो देने लगता है जिसकी बात लोग नहीं कर रहे, लेकिन उसका होना, उसका ज़िंदा होना, उसका हमारे बीच मौजूद होना ज़रूरी है। इसी तरह पोल्यूशन कंट्रोल एक सामाजिक सरोकार है। हर साल वैसे जब सर्दियाँ आती हैं आप देखते होंगे पोल्यूशन की स्टोरीज़ आने लगती हैं, जब गर्मियाँ आती हैं तो उसमें कमी आती है, लेकिन कैंपस रेडियो ऐसा नहीं करता। वो पूरे साल एक सरोकार को ज़िंदा रखता है। वो जानता है कि पोल्यूशन एक ऐसी समस्या है जिससे निपटने के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जागरूकता की ज़रूरत है। फीडबैक मैकेनिज्म होने की वजह से और फॉलो बैक मैकेनिज्म होने की वजह से ये कैंपस रेडियो स्टूडेंट्स के बीच में लोकप्रिय भी हैं और उनमें सोशल अवेयरनेस लाते हैं। जब स्टूडेंट डेली बेसिस पर इस तरह की समस्याओं के बारे में सुनते हैं, स्वाभाविक तौर पर उन पर ये असर पड़ता है कि वो भी अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करें। Eminent personalities, scholars and intellectuals visited the studio and shared the knowledge on various schemes for Anna CR. Anna Campus Radio में बहुत सारे लोग समय समय पर आते रहे और उन्होंने इस फोरम को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया और सोशल अवेयरनेस और सोसाइटी की डेवलपमेंट पर बड़ी भूमिका निभाई। इसका इनॉग्रेशन उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने किया था और चीफ मिनिस्टर खुद इसके इनॉग्रेशन के समय मौजूद थी। अब आप सोचिए जो इम्पोर्टेंस कैंपस रेडियो को मिली, आज हम उसकी एक बड़ी तस्वीर को देख रहे हैं। लेकिन इसे शुरू किसने किया वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी। इसकी शुरुआत का श्रेय जाता है डॉक्टर आर श्रीधर को, जो कि उस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया साइंसेज थे और एक एमिनेंट रेडियो प्रोफेशनल थे। अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में है और चेन्नई के आसपास के तमाम इलाकों में जो भी समस्याएं थीं उस पर कम्युनिटी रेडियो कैंपस रेडियो ने बहुत ध्यान दिया। इसके अलावा कुछ ऐसे वॉक इन प्रोग्राम्स किए जिसमें कम्युनिटी के लोग इस कैंपस में आकर अपनी बात रखते थे, खासतौर पर महिलाएँ और बच्चे। सोचिए उस कैंपस में कम्युनिटी से बच्चे आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, अपनी बात रख रही हैं। वो अपनी सुरक्षा को लेकर, अपने सवालों को, अवेयरनेस को लेकर सवाल कर रही हैं और उनके जवाब पा रही हैं। इसका बहुत अच्छा असर उस पूरी कम्युनिटी पर पड़ा। इसका एक फ़ायदा और होता है, जब कम्युनिटी ये देखती है कि कोई कैंपस कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे पूरी समुदाय का फ़ायदा हो रहा है, तो वो भी उसके साथ जुड़ते हैं। वो समझने लगते हैं कि ये सरोकारी पत्रकारिता हो रही है। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर ऑडियो प्रोडक्शन ब्रॉडकास्टिंग की ट्रेनिंग दी गई शुरुआत में, और उसके बाद तो ये ट्रेनिंग का जो सिलसिला है आगे बढ़ता ही गया। इन बच्चों को पूरी छूट, पूरी आज़ादी दी गई कि वो टॉपिक्स को अपने आप सिलेक्ट करें, उसकी स्क्रिप्ट लिखें, रिसोर्स पर्सन्स को ढूंढें और प्रोग्राम्स की क्वालिटी को मेनटेन करें। ये स्टूडेंट्स खुद ही प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं। अब आप सोचिए स्टूडेंट को कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी कैंपस में कितनी सारी चीज़ें एक साथ सीखने को मिल रही हैं। वो सीख रहा है प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। वो सीख रहा है गेस्ट मैनेजमेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग और
प्रोडक्शन के सारे ऐसे स्किल्स, इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स स्वाभाविक तौर पर सीख रहा है। एडिटिंग रिकॉर्डिंग सीखते हुए वो ये भी जानता है इन सारे स्किल्स में पारंगत होने के बाद उसके पास बहुत सारे प्रोफेशनल अवसर अपने आप आने लगेंगे। कम्युनिटी के वॉलंटियर्स को स्टेशन के साथ जोड़ा गया। ये वॉलंटियर्स सामने आते हैं और अपनी बात को रखते हैं, वो इनके साथ जुड़ते हैं और प्रोडक्शन टीम का एक बैकबोन बन जाते हैं। डॉक्टर श्रीधर ने जब इसे शुरू किया तो उनका एक विजन था। 30 साल के ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी के बाद वो इग्नू से जुड़े रहे थे और उसके बाद ज्ञान दर्शन, व्यास चैनल्स, इन सब से जुड़ते हुए उनके पास जो रेडियो का अनुभव आया था उसी के तहत उन्होंने इस रेडियो को शुरू किया। और यही वजह है कि कैंपस रेडियो जो अन्ना का था उससे बहुत सारे और कैंपसेस ने सबक लिए और अपने रेडियो स्टेशंस को स्टार्ट किया। यहाँ मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी जामिया मिलिया इस्लामिया का। रेडियो जामिया इसका नाम है, 90.4 एफएम पर ये चलता है। इसने अपने पहले ट्रायल लाइव ट्रांसमिशन को 60 मिनट का रखा। 15 मार्च 2005 को इसने अपना पहला ट्रायल ट्रांसमिशन किया और रेगुलर ट्रांसमिशन शुरू हुई 26 मई 2005 से, 60 मिनट हर वीकडे पर। और फिर 6 मार्च 2006 को इसका एक फॉर्मेट इनॉग्रेशन किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव था कि शेयर्ड वैल्यूज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लोकल कल्चर्स। अब ये जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में है तो उसने ध्यान रखा अपने इलाके के, अपने समुदाय के लोगों का जो लोकल कल्चर है, भाषा है, ज़रूरतें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके मुताबिक कार्यक्रमों को फॉर्मेट किया गया। The programs suit diverse tastes of the target audience, be it interviews, discussion, vox pops. It strives for innovative and effective ways to work in tandem with the community. Yeah, innovative word bada important hai. Students have to be very innovative. Sabhi karyakram hamesha ek jaise nahi honge. Aur kyunki students hain, young bacche hain, unke paas naye ideas hain. Wo milte hain aur dimagi taur se naye naye ideas ko sochte hue इनोवेटिव आइडियाज़ को सोचते हुए उन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। कम्युनिटी मेंबर्स की पार्टिसिपेशन होती है। ब्रॉड आउटलुक एंड पब्लिक सर्विस आइडियोलॉजी विद एम्फेसिस ऑन केटरिंग टू बोथ जनरल एंड स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ द आइडिया। इसी तरह आईएमसी ने भी अपना रेडियो शुरू किया। मुझे भी इस अपना रेडियो के एकदम शुरुआती समय में साथ में जुड़ने का मौका मिला था। 96.9 एफएम पर ये चलता है। सितंबर 2005 में इसकी एक तरह से नींव रखी गई और उसके बाद 9 सितंबर को जब ये इनॉग्रेट हुआ उसके बाद इसे ब्रॉडकास्ट के लिए एक नियमित संचालन इसका चलने लगा। ट्रांसमिशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू आवर्स टू अ डे सिंस फरवरी 2013। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम और उसके बाद कोविड-19 के समय में अवेयरनेस से जुड़े हुए कार्यक्रम, एजुकेशनल प्रोग्राम्स इस पर खूब हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी इसी तरह अपने एक कैंपस रेडियो की शुरुआत की थी 2007 में, जिसे विजय लक्ष्मी सिन्हा, फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो के सुपरविजन में शुरू किया गया था। इसे भी स्टूडेंट बॉडी के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था। कैंपस रेडियो के लिए असल में कई गाइडलाइंस हैं और ये गाइडलाइंस काफ़ी हद तक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से मिलती जुलती सी दिखाई देती हैं। Organizations having license for setting up of such stations shall be considered empaneled with Bureau of Outreach and Communication. इनके पास license का होना ज़रूरी है। Information and Broadcasting Ministry से की list में उनको शामिल होना भी ज़रूरी है और उसे update करवाते रहना भी ज़रूरी है। Rate of ads for empaneled organizations भी तय किया गया है। अमूमन 52 रुपये 10 सेकंड के ब्रॉडकास्ट के लिए हम ये देखते हैं। अगर आप वेबसाइट पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें थोड़ा बहुत बदलाव कई बार होता है, लेकिन इसके अलावा ये एक ज़रूरी बात है कि जो नियम हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। उन नियमों को मानना इन कैंपस रेडियो स्टेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कई बार कैंपस रेडियो स्टेशंस में जो अब नई चीज़ें देखने में आ रही हैं कि वो अपने कंटेंट को अब डिजिटाइज भी करने लगे हैं, ये एक अच्छी बात हुई है।
मतलब ये कि जो प्रोग्राम्स हैं जो ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं उसके अलावा वो चाहें डिजिटाइज कर लें, ताकि आने वाले समय में अगर कुछ स्टूडेंट्स किसी पुराने प्रोग्राम को सुनना चाहते हैं तो उनके पास वो अपॉर्चुनिटी हो। स्पॉन्सर प्रोग्राम्स के लिए भी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, जैसे कि मैं मिसाल के तौर पर दे रही हूँ, 90 प्रोग्राम्स अक्रॉस वन ईयर, 6,000 और हाफ आर प्रोग्राम फॉर 180 प्रोग्राम्स अक्रॉस वन ईयर, ऐसे कुछ एक नियम हैं जिसे आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो रेट है वो कमर्शियल मीडिया की तुलना में काफ़ी कम रखा गया है। ऑल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स विल बी रिलीज थ्रू DABB विच विल एक्ट एज अ सिंगल पॉइंट एजेंसी फॉर बोथ द स्पॉन्सरिंग डिपार्टमेंट एंड द CRs। ऑल द पेमेंट्स विल बी रूटेड थ्रू DABB। आपको समय मिले तो DABB के बारे में भी ज़रूर पढ़िए, वो आपकी जानकारी में बहुत इजाफा करेगा। दुनिया के अलग अलग देशों में कैंपस रेडियो को देखा जा रहा है, मैं आपको एक छोटा सा उसका भी एक दृश्य दिखाना चाहूँगी ताकि आपके दिमाग में रहे कि कैंपस रेडियो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत के कई और देशों में व्यापक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आफ्टर द वॉर इन द फॉल ऑफ 1919, सिविलियन रेडियो लाइसेंसेस बिगैन टू बी इशूड अगैन, इंक्लूडिंग अ स्टैंडर्ड एमएचओ स्टेशन ऑथराइजेशन विद द कॉल साइन 2ADD। Radio Club was reformed and has resumed activities which included a more organized series of entertainment broadcasts intended to be heard by the local community. US mein ye koshishein hui, Canada mein bhi hui. Radio stations regulated by the Canadian Radio Television and Telecommunication Commission provides that a campus radio station is a radio station owned or controlled by a not-for-profit organization associated with a post-secondary educational इंस्टीट्यूशन। उन्होंने बहुत क्लियर किया है कि पूरी तरह से नॉन प्रॉफिट होना चाहिए और पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ उसका जुड़ाव होना चाहिए। दो तरह के कैंपस रेडियो उन्होंने डिस्टिंग्विश किए हैं, इंस्ट्रक्शनल विच इज़ फॉर ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल ब्रॉडकास्टर्स एंड कम्युनिटी वीडियो बेस्ड कैंपस प्रोग्रामिंग प्रोवाइडेड बाई वॉलंटियर्स हु आर नॉट ट्रेंड टू बी प्रोफेशनल्स। सो एक तो ट्रेनिंग है प्रोफेशनल ब्रॉडकास्टर्स की और दूसरी प्रोग्रामिंग विच इज़ प्रोवाइडेड बाय वॉलंटियर्स हु आर नॉट ट्रेंड टू बी प्रोफेशनल्स। विद अ ब्रॉड म्यूजिक प्रोग्राम द प्लेलिस्ट इज पावर्ड बाय द पैशन ऑफ फैंस। बहुत सारे म्यूजिकल प्रोग्राम्स भी फ्रांस के रेडियो स्टेशन में देखे जाते हैं, जैसे आपने कैनेडा देखा वैसे ही फ्रांस में भी हम कैंपस रेडियो को पाते हैं। बांग्लादेश में पहला कैंपस रेडियो 2015 में शुरू हुआ और रेडियो ऑफ बेगम रोकिया यूनिवर्सिटी रंगपुर में। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ टू ब्रिंग लाइफ स्किल्स एंड एजुकेशनल इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मोटिवेशन एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्रामिंग टू द स्टूडेंट्स टू बिल्ड देयर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड गिव देम एक्सपोजर टू अ वर्किंग मीडिया एनवायरमेंट। बांग्लादेश में ही क्यूट रेडियो is a university based radio station in Khulna University of Engineering and Technology. aise kuch aur campus radio stations aap alag alag deshon mein payenge. in mein ek aur cheez jo dhyan mein rakhne wali hai ki jab students aur teachers aapas mein jab in radio stations par kaam karte hain to unme bhi ek tarah ka ek strong bond build up hota hai aur ek content ka reservoir banta hai, क्योंकि जब डिजिटाइज भी आप अपना सामान करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आप आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एक रिजर्वर बनाते हैं। नेपाल में भी कैंपस रेडियो स्टेशंस बहुत पॉपुलर होने लगे हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी कई बार इन रेडियो स्टेशंस के ज़रिए हुई COVID-19 के समय। इसे अब ऑल्टरनेटिव लर्निंग के मेथड के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है और ख़ास तौर पर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा अपने स्कूल का में जब वो जा रहा है और उसके पास इंटरनेट नहीं है या उसके पास में स्कूल के रहता है और रेडियो के ज़रिए वो प्रोग्राम्स को सुन रहा है जो एजुकेशनल हैं, तो ऑब्वियसली बिना इंटरनेट के भी उसके ज्ञान में इजाफा हो रहा है। कई स्कूलों में बच्चों को छोटे छोटे रेडियो के सेट भी दिए गए ताकि उनकी माएँ और बच्चे वो अपनी एजुकेशन को और बढ़ावा दे सकें इंटरनेट की सुविधा ना होने पर भी। कुछ जगहों पर कुछ एक ग्रुप्स में एक एक रेडियो स्टेशन भी देने की कोशिशें की गई ताकि ग्रुप में बैठकर भी बच्चे रेडियो को सुन सकें।
इससे एक तरह का कम्युनिटी का जो भाव है वो भी पैदा होता है। आप जानते हैं कि जब COVID-19 आया तो देश की करीब दुनिया की करीब 90% जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है उसकी पढ़ाई पर असर पड़ा था। इसलिए पूरी दुनिया में एजुकेशन से बच्चे कहीं उनका कोई वास्ता कम ना हो उसके लिए रेडियो का बड़ा इस्तेमाल किया गया और रेडियो की कई पाठशालाएं शुरू कर दी गईं ताकि बच्चे रेडियो के ज़रिए जिन क्लासेस को फिजिकली अटेंड नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन अटेंड नहीं कर पा रहे, कम से कम रेडियो पर उन्हें सुनकर अपने लेसन्स को तैयार कर सकें, टेस्ट के बारे में तैयारी कर सकें, अपनी रीडिंग लिस्ट पर विचार कर सकें और बैठे बैठे मल्टीटास्किंग करते हुए रेडियो प्रोग्राम के ज़रिए अपने ज्ञान में इजाफा कर सकें। इसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को तो हुआ ही, टीचर्स को भी हुआ और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी हुआ। सभी ने अपने ज्ञान में अलग अलग तरह से इजाफा किया इन रेडियो ब्रॉडकास्ट के ज़रिए। इसके साथ कई बार इसकी वजह से समय और ऊर्जा में, संसाधनों के खर्च में भी बहुत कमी आई और ज्ञान को बढ़ते हुए पाया गया। कई स्कूल्स और कॉलेजेस में ये भी हुआ कि कैंपस रेडियो पर जो लेसन्स को रिकॉर्ड किया गया उन्हें फेसबुक पेज के ज़रिए भी सबसे शेयर कर दिया गया। अब ये मेरी स्लाइड का, इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का अंतिम हिस्सा है जिसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैंपस रेडियो कैसे एक बहुत बड़ा वरदान एजुकेशनल सेटअप पर में हो सकता है और बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पूरी एजुकेशन कम्युनिटी के लिए, फैकल्टी के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जिस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब मन की बात के ज़रिए आकाशवाणी के प्लेटफॉर्म पर पूरे भारत की, पूरी दुनिया की कम्युनिटी से जुड़ते हैं तो सोचिए रेडियो कितना इम्पॉर्टेंट है, और वैसे ही इम्पॉर्टेंट है कैंपस रेडियो। तो सबसे पहले ये लिटरेसी को प्रमोट करता है, जो अनपढ़ भी है, पूरी तरह से अनपढ़, वो भी अगर कुछ ही ऐसे कार्यक्रमों को सुनता है तो ज़ाहिर तौर पर उसके ज्ञान में इजाफा होता है। सेमी लिटरेट के लिए भी ये एक वरदान है, आप अपने ज्ञान को कहीं भी बैठकर उसमें इजाफा कर सकते हैं। आर्ट, कल्चर एंड लोकल डायलेक्ट्स, हो सकता है आपके इलाके में किसी तरह का आर्ट फॉर्म डेवलप तो हुआ है लेकिन उसे तवज्जो नहीं मिल रही, उसे मेनस्ट्रीम मीडिया कोई जगह नहीं दे रहा और आर्टिस्ट को कोई पहचान नहीं मिल रही, आप उस पहचान को दे सकते हैं। कल्चर एंड लोकल डायलेक्ट्स, हर प्रांत की अपनी कई भाषाएं होती हैं और भारत तो वैसे भी भाषाओं और बोलियों का देश है, हमें इन बोलियों को बचाना है और इन बोलियों को बचाने का काम बखूबी निभाता है कैंपस रेडियो। कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट, आप इस रेडियो के ज़रिए जो भी करते हैं वो रोचक होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, आप कुछ रच रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, नई तरह का म्यूज़िक कर रहे हैं, कुछ गाने लिख रहे हैं, उन्हें आप उसमें चला रहे हैं, आपको कोई स्कूल की असाइनमेंट, कॉलेज की असाइनमेंट मिली है, उस पर आपने नए नोट्स बनाए हैं, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, आप अपने इस कैंपस रेडियो में कुछ गेस्ट को बुलाते हैं और उनको इंटरव्यू करते हैं, सोचिए एक ही जगह पर बैठकर महज 2 या 3 माइक्रोफोन्स के ज़रिए आप दुनिया भर की जानकारी को बटोर भी लेते हैं और सभी बांट लेते हैं और वो भी लो कॉस्ट। लोकल कम्युनिटी को आप इनवाइट करते हैं, आसपास के लोग जब उस स्टेशन में आते हैं तो सोचिए उन्हें कितना अच्छा लगता होगा कि उनकी आवाज़ को एक इम्पोर्टेंस मिल रही है। लोकल कंटेंट को शेयर करके आप उस लोकल कम्युनिटी को बहुत मदद करते हैं। आप जो इश्यूज़ जो लोकल हैं, चाहे वो पर्यावरण हो, पोल्यूशन हो, खान पीना हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, उस सब की चिंता करते हैं, उन्हें सुलझाने की मदद करते हैं। लोकल पॉलिटिकल बॉडीज़ को आप अर्ज करते हैं कि आप इन्हें सुलझाने में मदद करें। आप जागरूकता लाते हैं, किसी भी तरह की कोई कैंपेन सरकार चला रही है, आप उस कैंपेन की ताकत बन सकते हैं। ईजी टू मॉडिफाई, आपने आज कोई कार्यक्रम बनाया, कल आप उसमें बदलाव चाहते हैं और परसों चाहते हैं एक और नया कार्यक्रम हो, सब कुछ करना बहुत आसान है क्योंकि आपके पास बहुत लंबा चौड़ा ऐसा तरीका नहीं है कि आपको बहुत सारी परमिशंस लेनी है। ये कैंपस रेडियो तो आपके लिए है, आपने बनाया है, आप ही को उसे चलाना है, लो कॉस्ट है, कीमत बहुत कम खर्च होती है, कहाँ कमर्शियल मीडिया और कहाँ कैंपस मीडिया, इतना कम खर्च में इतना बड़ा संवाद का स्कोप आपके सामने है। इसके लिए एनहांसमेंट करता है, आप
अपने स्कूल कॉलेज में हर रोज़ जा रहे हैं, कई विषयों को आप पढ़ रहे हैं, उन विषयों के साथ साथ एक अतिरिक्त विषय है आपके सामने रेडियो का। रेडियो को करते हुए आपका स्किल एनहेंस होता है, आपको मेंटल पीस मिलता है, आप सोशली एक्टिव अपने आप को पाते हैं, आप अपनी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, आप स्किल्स और टूल्स पे एक पकड़ बनाते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं, नए तरह का ज्ञान पाते हैं, आप इसे सीखते सीखते ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया को जानने लगते हैं, आप समझने लगते हैं आर्काइव्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स की जानकारी होती है, आपके सामने विषयों का एक बड़ा समंदर आ जाता है और तब आपको ये समझ में आता है कि कितना कम आपको आता है और कितना कम ज़्यादा आपको सीखना है। ज़्यादा सीखने की ललक आपके अंदर लगातार बढ़ने लगती है, ये भी कैंपस रेडियो की एक बहुत बड़ी खूबी है, एम्प्लॉयमेंट के अवसर देता है। हो सकता है आप जो पढ़ाई कर रहे हों उसमें तो एम्प्लॉयमेंट के अवसर हों ही, लेकिन रेडियो भी एक अलग एम्प्लॉयमेंट आपके लिए बनाते हैं। ये भी हो सकता है कि आप कॉलेज से बाहर निकलें और आपको लगे कि आपने जो पढ़ा उसके साथ साथ आपको रेडियो को नहीं छोड़ना है, रेडियो एक विकल्प है, रेडियो आपके सामने एक वैकल्पिक माध्यम के तौर पर भी आ सकता है। इट कुड बी मोर कॉन्क्रीट एंड यूजफुल फॉर एवरीबडी, नॉट ओनली फॉर द स्कूल कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बट द एंटायर कम्युनिटी एंड द एंटायर नेशन। और सबसे बड़ी बात, ये प्योर कम्युनिकेशन है और पब्लिक सर्विस है, जनता के लिए है, और इसे बच्चे जब बनाते हैं जनता के हित में बनाते हैं तो सोचिए कितना सुंदर, कितना सार्थक और कितना सटीक कम्युनिकेशन ही होता होगा। आज का लेक्चर आपसे मैंने जो बात की वो थी कैंपस रेडियो के बारे में, ये कुछ एक सोर्सेज हैं जिनकी मैंने मदद ली। आप कैंपस रेडियो के बारे में थोड़ा और पढ़िएगा, आपकी जानकारी में इजाफा होगा और आप ये जानेंगे कि कैंपस रेडियो वाकई में एक दमदार रेडियो है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।